मुन्ना बजरंगी की हत्या से अखिलेश यादव सन्न। दुखी अखिलेश यादव ने किया योगी सरकार पर करारा हमला। अखिलेश को उत्तर प्रदेश डरी और सहमी हुई लगती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव दुखी हैं, आहत है, गम में गमगीन है। और दरअसल ये गम और ये दुख अखिलेश यादव को कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की हत्या से। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वर्तमान योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अपने दुख को व्यक्त किया। अखिलेश यादव अपराध की दुनिया में पैर जमाने वाले, 40 से अधिक मर्डर तथा कई आपराधिक मामलों में रिप्त रहने वाले मुन्ना बजरंगी की हत्या से आहत हैं। आहत इस कदर हैं कि उन्होंने अपना दुख योगी सरकार पर गुस्से के साथ निकाला और श्री यादव ने कह डाला, यूपी में न तो कानून बचा है और न ही व्यवस्था। आगे अखिलेश ने सूबे की जनता को डरा और सहमा बताते हुए कहा कि यूपी में कुशासन और अराजकता का ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन अखिलेश के बयान पर यदि गौर फरमाया जाए तो निकल कर यह आता है कि श्री अखिलेश यादव उस व्यक्ति की हत्या पर यह बगबगा गए जिसने अपराध की दुनिया में अपने पैर भययुक्त माहौल बनाने में पसार लिए थे। हत्या जिसके लिए आम बात थी, जिस पर मुख्य विधायक कृष्णारन राय की हत्या जैसे संगीन आरोप चल रहे थे, लग रहे थे, वसूली, फिरौती, लूट जैसे काम जिसका पेशा रहा है, जिसने पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने जैसे काम और कृत्य किए थे और जिस पर मुकदमा भी चल रहा था, ऐसे व्यक्ति की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता डरी और सहमी है। श्री यादव जी, जब अपराधी अपराध करता है तो देश में या प्रदेश में या शहर में एक दहशत का माहौल होता है। अपराध करने वाले कुख्यात की हत्या होती है या वह नष्ट होता है तो निश्चित हुई अपराध करने वालों को एक सीख मिलेगी और दहशत का माहौल कम होगा। प्रदेश की जनता दुखी, सहमी या डरी हुई इस वारदात को लेकर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपराधी का नष्ट होना ही प्रदेश के लिए, देश के लिए ठीक होता है। बात इतनी है सिर्फ कि जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक बात तो निकल कर सामने आती है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल के अंदर हुई। जेल के अंदर हत्या कहीं ना कहीं गलत है। जेल के अंदर और जिस प्रकार से हुई वो निश्चित रूप से गलत है। लेकिन अगर मुन्ना बजरंगी की बात की जाए, मुन्ना बजरंगी के कृत्यों की बात की जाए और उस कृत्यों के आधार को देखा जाए तो 40 से अधिक हत्याएं, कृष्णानंद राय की हत्या और रंगधारी, पिरोती और डकैती जैसे मामले जिस पर लगे हों, जिस पर 7 लाख का इनाम रहा हो उसकी हत्या होती है या वैसे व्यक्ति इस देश से कम होते हैं तो निश्चित रूप से देश से अपराध का वर्चस्व कम होगा। खैर, आज के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़।